गुड मॉर्निंग गाइस, बात करेंगे अडानी बिल्मर के। कल भाई अडानी बिल्मर के रिजल्ट आए थे और रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा आपने देखे होंगे, जो उनके लॉसेस बढ़े हैं तो सबको डिस्कस होगा। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फटाफट से बात कर लेते हैं अडानी बिल्मर की। चार्ट पे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं टेक्निकली। तो भाई जब से ये लिस्टिंग हुई थी कंपनी, उसके बाद इसने कोई मौका दिया नहीं। लगातार ये स्टॉक लगभग 900 के आसपास टच करके आया और मौका बिल्कुल मिला नहीं इस स्टॉक में। अभी जिस तरीके के रिजल्ट आए, मैं भाई इसमें एक गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और गिरावट आएगी तभी ये भाई अच्छे लेवल के आसपास आएगा लेने लायक। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। अभी पहले थोड़ा सा देख लेते रिजल्ट वगैरह कैसे थे। रिजल्ट देखोगे तो भाई बाई ऑन बाई भी देखोगे तो यहाँ पर 64% के आसपास आपको प्रॉफिट में डिप देखने को मिलेगा। और अगर आप देखोगे सेल्स में तो सेल्स थोड़ी सी बढ़ी हैं बाई ऑन बाई। अगर बात करोगे क्यू ऑन क्यू तो यहाँ पे भी आपको डिप देखने को मिलेगा प्रॉफिट में, और इसके अलावा सेल्स में भी थोड़ा सा डिप देखने को मिलेगा। मिला इसलिए ये डिप क्योंकि भाई सरकार ने कुछ टैरिफ वगैरह दे दिए थे कि इतने पे बेचना है सामान को, और जो इनकी रॉ कॉस्ट मटेरियल वो कुछ बढ़ गए थे, तो उसकी वजह से इनको ये लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। और ये चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो एक क्वार्टर के रिजल्ट अगर थोड़े से भी बिलो एवरेज आते हैं, अच्छे नहीं आते, तो वहाँ पर कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। तो पहले से जो इन्वेस्टेड हैं लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। गिरावट आएगी और हो सकता है और भी ज़्यादा आ जाए। अभी 2% की कल थी, लेकिन हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, तो इसमें कोई घबराने वाली जरूरत नहीं कि भाई अब मैं बिल्कुल निकल के चला जा रहा हूँ। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया था और आपको भाई प्रॉफिट हो रखा है, तो आप क्विट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगेन ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर के रिजल्ट खराब आ गए तो ये स्टॉक खराब हो गया। मेरी नज़रें काफ़ी इसमें पहले से हैं। और अगर आपको कोई FMCG पैक में जो ऐसा स्टॉक चाहिए जो बहुत ही एग्रेसिव हो, तो वन ऑफ द ये स्टॉक है। FMCG पैक में बहुत ही सेफ स्टॉक मिल जाएंगे आपको, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो चाहे नेस्ले हो। लेकिन जो ओवरऑल उनके रिटर्न देखोगे तो इतने ज़्यादा आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे देखने को मिलेंगे, मतलब 3 साल में 100% या 4 साल में तो पैसे डबल कर देते हैं वो। लेकिन इसमें जो आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे काफ़ी एग्रेसिव देखने को मिल सकते हैं, जिस तरीके के अडानी पूरे पैक के हैं और जब से लिस्टिंग हुई है तब से भी इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रखे हैं। तो अगर आप कहीं FMCG कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और कोई एग्रेसिव कंपनी के लिए जाना चाह रहे हैं, तो अगर अब इसमें मौका आता है जिस तरीके के रिजल्ट आए और अगर इसमें गिरावट आती है तो ज़रूर मौका बनेगा, तो हम डिस्कस करेंगे, इसके लेवल डिस्कस कर लेंगे जहाँ पे मैं पहली डिप लगाना पसंद करूँगा। तो फटाफट से अब टेक्निकली थोड़ा सा देख लेते हैं। और टेक्निकली देखोगे तो पहला यहाँ पर एक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जो भाई आता है यहाँ पर आप मान सकते हो 650 के आसपास आपको फर्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। दो बार यहाँ से ये वापस जा चुका है, तो अगर बहुत ज़्यादा जिसको पसंद है 650 पे बहुत कम क्वांटिटी खरीद सकता है। क्योंकि मुझे लगता है, पर्सनली मैं फील ऐसा करता हूँ भाई, आए ना आए वो पता नहीं, लेकिन मैं फील करता हूँ, मैं यहाँ पे कंफर्ट नहीं फील करता हूँ कि मैंने इतना हाई प्राइस पे इसको खरीदूंगा। जहाँ से गया है 300 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुई थी, इससे भी नीचे हुई थी, तो मैं नीचे थोड़ा और वेट करने की कोशिश करूँगा। अप्रॉक्स अगर ये मिल जाता है 500 रुपये के आसपास तो यहाँ पर पहली डिप लगाऊंगा, उसके बाद नीचे जितने भी जाएगा तो प्रॉपर मैनर वे में मैं डिप लगाता जाऊँगा। हो सकता है ना आए तो हो सकता है छूट जाए, तो मुझे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, छूट जाए तो छूट जाए, मैं पीछे भागता नहीं किसी भी स्टॉक के। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पर एक छोटी टिप लगा सकते हैं कि भाई आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मैं कंफर्ट महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ ले सकता हूँ, तो एक टिप लगा सकते हैं। नीचे यहाँ पर एक टिप और लगा सकते हैं जो मैंने बताया 500 रुपये के आसपास, मे भी जाए ना जाए मुझे नहीं पता, बट अगेन मैं इस लेवल का इंतजार कर रहा हूँ। मे भी मुझे लगता नहीं आएगा, अडानी में बहुत कम आता है, लेकिन मौके कभी कभी मिल जाते हैं। अडानी में 100 रुपये पर हमने अडानी पावर खरीदा था, बहुत बार होता है कि आ जाती चीजें। तो अगेन अगर रिजल्ट अच्छे नहीं, अगर आता है तो देखेंगे, अगर उससे भी थोड़ा 500-550 के रेंज में भी अगर कहीं कंसोलिडेट होता है तो जरूर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यही है, बाकी अगर कहीं गिरता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले से आप इन्वेस्टेड तो इन्वेस्टेड रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में भी। इस स्टॉक में काफ़ी एग्रेसिव स्टॉक है और अगर शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये मैंने व्यू बता दी अडानी बिल्मर पर, बाकी इन एंड मर्जी आपकी, पैसा आपका, फर्नीचर वही पूछ सकते, अपना व्यू बना तो सुनिए सबकी, करने चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों कर देना। जय हिंद दोस्तों।